हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम बैक टू हिमलताज डेकोर आइडियाज। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ अपने चीनी मिल वाले गार्डन के बारे में कुछ शेयर करूंगी। आप मेरी वीडियो ध्यान से देखिएगा। मैंने बहुत सारा वर्क किया है और ये करीब 1.5 महीने से मैं वीडियो तैयार कर रही थी, तो मेरी वीडियो तैयार हुई है। फ्रेंड्स, मैं आपको बेला और गुलाब के बारे में कुछ टिप्स शेयर करूंगी जो मैं हमेशा से प्रयोग करती रही हूँ। तो मेरे यहाँ बेला भी खूब लगा हुआ है फ्रेंड्स, और गुलाब के भी बहुत सारे पौधे मेरे यहाँ लगे हुए हैं। तो मैंने क्या क्या किया है मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। फ्रेंड्स, आप न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए प्लीज़, और मेरी वीडियो को देखिए प्लीज़। अच्छी लगे तो लाइक भी करिएगा। मई मंथ के मिड में मैं जब यहाँ आई तो मेरे बेला पे बहुत छोटी छोटी सी कलियाँ लगी हुई। इस टाइम तो फ्रेंड्स पीलीभीत ज़िले में बाढ़ आई हुई है, बहुत समस्या फैली हुई है। लेकिन ये वीडियो मैंने पहले बनाई थी और जुलाई की अपडेट भी इसमें शामिल है, आप देखिएगा प्लीज़। और सबसे दुआ है मेरी कि बाढ़ में सब लोग परेशान हैं, ईश्वर उनकी रक्षा करे, सरकार उनकी मदद करे। इस टाइम फ्रेंड्स बहुत गर्मी पड़ रही थी, टेम्परेचर काफ़ी हाई जा रहा था, पौधों में कोई ग्रोथ नहीं हो रही थी, पत्तियां पीली पड़ रही थी। तो मैंने सोचा कि अपने गुलाब की थोड़ी थोड़ी कटिंग कर दूं, और बेला में मैंने थोड़ी थोड़ी पिंचिंग की। फ्रेंड्स, आप देखिए मेरी वीडियो। अपने हस्बैंड से अगर मैं बोलती कि मेरे पौधों की कटिंग कर दीजिए, तो फ्रेंड्स वो सारा जड़ से ही साफ़ कर देते, इसलिए मैंने खुद ही करना सोचा। इस टाइम पे फ्रेंड्स ना मेरे पौधों में कलियां लगी हुई थी, ना कोई ग्रोथ हो रही थी। जब ग्रोथ रुकी हुई होती है तो फिर कटिंग करने में कोई हर्ज भी नहीं है। थोड़ा सा कटिंग की मैंने, बेले की भी कटिंग की, अपने सारे बेले की तो थोड़ी थोड़ी पिंचिंग की क्योंकि फूल लगे हुए थे उस पर। उसके बाद फ्रेंड्स मैंने देखिए तुलसी की भी सारी जो मंजरियाँ लगी थी उनकी भी पिंचिंग कर दी। फ्रेंड्स, मैंने इसमें फर्टिलाइज़र दिया रोज़ शावरिंग की। 15 दिन बाद आप देखिएगा मेरे प्लांट्स की रंगत बदल गई। फ्रेंड्स, मैंने इनमें किचन वेस्ट का फर्टिलाइज़र दिया था, 15 दिन में ही मेरे पौधों में न्यू ग्रोथ आ गई। बिल्कुल पिंक पिंक कलर की पत्तियां, कलियां सब मुझे दिखाई देने लगी, तो बड़ी खुशी हुई। प्लांट्स से फूल लेने के लिए फ्रेंड्स हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है, उनका ध्यान रखना पड़ता है, उनकी सूखी हुई डंडियों को हटाना पड़ता है। तो इस तरह से देखिए न्यू ग्रोथ स्टार्ट हो गई है। इसके बाद फ्रेंड्स मुझे बाहर जाना पड़ गया था, तो मैं कुछ दिनों के लिए चली गई थी, और जब वापस आई तो मैंने फिर से यहाँ वीडियो बनाई आके। तब तक फ्रेंड्स एक बारिश हो चुकी थी, और बारिश का पानी तो लगते ही फ्रेंड्स देखिए कलियों के आकार में बहुत बढ़ोतरी हो गई। तो फ्रेंड्स देसी गुलाब से फूल पाने के लिए बस थोड़ी सी कटिंग, थोड़ी सी खाद, यही काफ़ी है, ज़्यादा पानी चाहिए नहीं होता है। और बारिश के बाद तो देखिए गुड़हल की जड़ों में कितने कितने अच्छे नए नए कल्ले निकले आए, और कलियों में जान आ गई, ढेर सारी कलियां खिलने लग गई। फ्रेंड्स, मुझे फूल भी मिलने लगे। यही सब बेला के साथ हुआ। बेला में भी मैंने फर्टिलाइज़र दिया था, और जब मैं लौट के आई तो मेरा बेला एकदम से घना था, कलियों से बिल्कुल भरा हुआ था। एक एक जगह 100-100 कलियां जैसे लग रही थी, लगी हुई हैं। और जब फूल खिलते तो ऐसा लगता कि तारे टिमटिमा रहे हैं। आप देखिए अनगिनत कलियां मेरे बेला पे लगी हुई हैं। ये सब फ्रेंड्स बारिश का पानी, पिंचिंग और थोड़ी सी बस देखभाल की ज़रूरत होती है, क्योंकि बेला भी एक हार्डी प्लांट है, एक बार लगने के बाद वो फैलता ही रहता है, बेल की तरह मेरे यहाँ तो ये फैला हुआ है। तो बारिश के पानी से फ्रेंड्स पौधों में एकदम जान आ गई, ढेर सारी कलियां लग गई, और इतनी भीनी भीनी सुगंध आती है बेला की कि मैं आपको क्या बताऊं। इस बारिश के मौसम में फ्रेंड्स हम बेला, गुलाब,
इन सभी की कलम बहुत अच्छे से लगा सकते हैं। कटिंग्स लगाइए और पौधों को ग्रो करिए, बारिश का आनंद लीजिए। फ्रेंड्स, बस बारिश में क्या है कि खरपतवार बहुत निकलती है, तो उनकी सफाई करनी होती है। देखिए कैसे वॉल जैसी है मेरी बेला की, आप कलियां गिन नहीं पाएंगे, इतनी कलियां लगी हैं। बस बारिश का पानी और थोड़ा सा फर्टिलाइज़र, थोड़ी सी कटिंग, थोड़ी सी पिंचिंग, ये ही पौधों की ग्रोथ के लिए काफ़ी हैं। क्योंकि जुलाई अगस्त का महीना वैसे भी हमें हरियाली प्रदान करता है। Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't.